Assalamu alaikum class 3. I hope you are all fine and doing well. Before starting our today topic, we have to recall our previous one. What is our previous topic? Faizan, you tell me what is our previous topic? Yes, our previous topic is रोमन नंबर्स. हमने कल क्या सीखे थे? रोमन नंबर्स. हाउ वी कैन राइट द रोमन नंबर्स इन अरबिक नंबर्स एंड हाउ वी कैन चेंज द अरबिक नंबर्स इनटू रोमन नंबर्स. हमने ये कल दो काम सीखे थे. हाउ मेनी रोमन सिंबल्स? अब मैं पूछ रही हूँ, हाउ मेनी रोमन्स, रोमन, हाउ many roman symbols. कितने symbols होते हैं बच्चों? Seven. कितने symbols होते हैं? Seven. Ayan, you tell me which symbol we use for 10. 10 के लिए हम कौन सा symbol use करते हैं? Good. We use 10 for X. Good. What symbol we use for 500? Maryam beta, आप मुझे बताएं 500 के लिए हम कौन सा symbol use करते हैं? D. Good. Which symbol we use for 5? हम 5 के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? वी. गुड. व्हिच सिंबल वी यूज फॉर 100? हम 100 के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? सुभान. सी. ओ, नाउ एग्जांपल नंबर 1 व्हिच इज Ayan, आप मुझे बताएंगे बेटा, हाउ वी कैन राइट 16 इन रोमन नंबर्स? 16 को हमने कैसे, कहाँ लिखना है? रोमन नंबर्स में. तो हम पहले 16 को कैसे लिखेंगे? गुड. हम इसको डिवाइड करेंगे बिकॉज वी हैव नो सिंबल फॉर 16. वी हैव टू डिवाइड इनटू पार्ट्स. हमने इसको क्या कर दिया? पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 10 + 6. 10 + 6 is equal to 16. Yes, we know we have a Roman symbol for 10. Which symbol we use for 10 is X. 10 के लिए हम क्या use करते हैं? X. अब जाएंगे हम 6 पे. Oh, 6 के लिए भी Roman symbol नहीं होता. तो हम 6 को भी कहाँ divide कर देंगे? 2 parts में. Like 5 + 1. 5 + 1. Now we all are know we use the symbol for 5 is V and for 1 is I. So our complete word is V, X, X, V and I. I hope this example will help you to recall your previous concept. Now our today topic is place values of 4 digit number. या फिर 4 digit 4 digit number. आज हम क्या पढ़ेंगे? द प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 digit numbers. हमारे पास जब 4 digit number आएंगे, हम 2 क्लास में ऑलरेडी 3 digit numbers की प्लेस वैल्यूज पढ़ चुके हैं. आज हम क्या पढ़े हैं? प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 digit numbers. Now, as we know, we start our calculation from right hand side. हम अपने calculation कहाँ से start करते हैं हमेशा? Right hand side से. तो which is my right side? Yes. Please tell me what is my right side. Either this one or this one. This is my right side.
So we will start or we will start writing the place value of digit from right side. हम क्या करते हैं, अपनी place value जो होती है हर number की, place values, वो कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, right hand side से. Always start writing always start from right side. क्या करते हैं, right side से हम place values को लिखना शुरू करते हैं. Now as we know, first from right side से हम शुरू करेंगे तो right वाला number हमारा या तो unit होगा या फिर ones, या फिर यूनिट होगा या फिर वंस. यूनिट और वंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों? गुड. नेक्स्ट नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? टेंस. यूनिट, यूनिट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? टेंस. टेंस के बाद हमारे प्लेस वैल्यू क्या होगी? हंड्रेड. हम यूनिट, टेन और हंड्रेड से ऑलरेडी फेमिलियर है. आज हम न्यू प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, वो क्या होगी? थाउजेंड. वो क्या होगी? थाउजेंड. टी एच ओ यू एस ए एन डी, थाउजेंड. वी रिप्रेजेंट द थाउजेंड एज टी एच. हम थाउजेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी एंड एच से. अब आप देखो, हम खाली टी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज टी तो हम टेंस के बीच यूज करते हैं. तो इसका क्या है, मतलब है कि हम थाउजेंड के लिए टी एच शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट और नेक्स्ट नंबर, टू रिप्रेजेंट और नेक्स्ट नंबर्स. देन वी हैव एग्जांपल नंबर वन. एग्जाम्पल नंबर वन इज एज यूनिट और वंस. यूनिट और वंस में हमारे पास कितने स्क्वेयर्स होंगे? फ्रॉम जीरो टू नाइन. कितने हमारे पास स्क्वेयर्स होंगे, या हम बॉक्सेस कह सकते हैं, हम स्टार्स भी कह सकते हैं. यूनिट्स में हमारे जीरो टू नाइन स्टार्स होते हैं. फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन. जब नाइन से वन मोर स्टार होता है तो वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? टेन में. नाइन से मोर स्टार्स होंगे तो वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे? टेंस में. अब टेंस में हमारे पास रेक्टेंगल शेप में लाइंस आ जाएंगी ऐसे, और उनके अंदर से टेन टेन स्टार्स होंगे. हमारे पास बॉक्सेस आ जाएंगे और हर बॉक्स में टेन टेन स्टार्स होंगे. हर बॉक्सेस में क्या है? टेन टेन स्टार्स है. उसके बाद हमारे पास है फॉर्म हंड्रेड. इट मींस दिस बिलोंग टू अ स्क्वायर. इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर होगा. हमारे पास एक क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा. हर एक स्क्वायर में टेन कॉलम होंगे, टेन और टेन ही क्या होंगी, रोज. टेन कॉलम्स होंगे और टेन ही हमारे पास क्या होंगी, रोज. हमारे पास टेन कॉलम्स हैं और टेन ही रोज है. अब हम क्या करेंगे, थाउजेंड ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वंस को. जिनमें हमारे पास सिंपल यूनिट्स आ जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, वंस. देन व्हेन वी हैव स्ट्रिप्स, वन कॉलम एंड ईच कॉलम हैज टेन रोज. एक कॉलम में कितनी रोज आ जाए, टेन रोज आ जाए, तो वो क्या किससे बिलोंग करेंगी, टेंस के साथ. टेन रोज एंड टेन कॉलम.
कॉलम्स आ जाए तो वो किसे बिलोंग करेंगे? 100 के साथ. नाउ वी हैव अ क्यूब शेप, वी हैव अ क्यूब शेप लाइक दिस. नाउ वी हैव अ क्यूब शेप एंड ईच साइड्स कंटेन 100 100. अब हमारे पास क्या आ जाएगी? क्यूब शेप आ जाएगी, उसमें हर एक साइड बिलोंग करेगी 100 के साथ, स्टार्स के साथ. ईच साइड्स बिलोंग विद 100 स्टार्स. हर एक स्टार्स में कितने हर एक साइड्स में कितने स्टार्स होंगे? 100. Like this. हर एक क्यूब है और एक क्यूब में कितने हमारे पास हो जाएंगे स्टार्स? 100. इफ अ स्क्वायर स्क्वायर हैज द शेप स्टार्स ऑफ 100 एंड इफ वी हैव अ रेक्टेंगल शेप एंड ईच रेक्टेंगल मीन्स कॉलम है, या तो आप कॉलम भी कह सकते हैं या फिर आप उसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं. अगर रेक्टेंगल में 10 रोज आ चुकी हैं या एक कॉलम में आपके पास 10 रोज आ गई हैं तो वो हमारे पास किससे बिलोंग करेंगी? टेंस के साथ. अगर हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगी तो वो बिलोंग करेंगी यूनिट्स के साथ. नाउ अब हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? डिजिट के फॉर्म में हम लिखेंगे. 1000 की जगह पे 1000, टेंस की जगह पे टेंस, यूनिट और वंस की जगह पे यूनिट और वंस के नंबर. सो प्लीज काउंट एंड राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. यूनिट बिलोंग्स विद 9 स्टार्स, सो वी विल राइट इट एज 9. हम यूनिट में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे. उसके बाद टेंस के पास जाएंगे और टेंस के नंबर को टेंस की प्लेस में लिखेंगे. हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये यूनिट को उठा के टेंस की प्लेस में लिख दिया या टेंस को उठा के यूनिट की प्लेस में लिख दिया. नाउ 1 2 3 100 1 1000 1. ओ इट्स सो इजी एंड इट्स सो सिंपल. क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और उनकी प्लेस वैल्यूज जो कि हमें ऑलरेडी बुक पे गिवन है हमने वहां पे लिखनी है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द अबेकस ऑफ दीज वर्ड्स. 1 2 3 4. हमारे पास जितने डिजिट नंबर होगा मीन्स जितनी प्लेस वैल्यू का डिजिट नंबर है हम उतनी ही उसकी रोड्स ड्रॉ करेंगे. क्या ड्रॉ करेंगे? रोड्स. नाउ यूनिट 1 10 100 and 1000. हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि यूनिट को 10 की जगह पे लिख दें, टेंस को वंस की जगह पे लिख दें. नाउ वी हैव टू ड्रॉ 9 बीट्स इन यूनिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. सो इजी. यूनिट की प्लेस वैल्यू में कितने नंबर्स थे? 9. सो वी विल ड्रॉ इन 9 इन यूनिट्स. नाउ टेंस, टेंस में कितने नंबर्स हैं? 3. तो 3 हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? टेंस में. 1 2 3. नाउ अमार यू टेल मी हाउ मेनी बीट्स वी हैव टू ड्रॉ इन 100. गुड, वी हैव टू ड्रॉ 1 बीट्स. नाउ माया बेटा यू टेल मी हाउ मेनी बीट्स वी हैव टू ड्रॉ इन 1000. ओ गुड, आई होप दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू सॉल्व. लेट अस प्रैक्टिस ऑन पेज नंबर 7. नाउ गो टू पेज नंबर 8 एंड राइट इट एज राइट द नेम्स इन टू नंबर्स. के क्या करना है? हमने नंबर्स को नेम्स की फॉर्म में लिखते हैं. राइट द नेम, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स. क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स.
फर्स्ट इट इज, हमने जो एग्जांपल सॉल्व की थी हम उन्हीं को ही नेम्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो सबसे पहले हमारा हमेशा फर्स्ट काम क्या हो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो कि हम प्लेस वैल्यूज लिखें। क्या लिखें हम सबसे पहले? प्लेस वैल्यूज। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9? गुड। व्हाट इज द वंस और यूनिट? अमर, यू टेल मी व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? टेंस। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 अमाया? गुड। 100। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? फातिमा, तनवीर, यू टेल मी बेटा। 1000। गुड। अब हम इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे बच्चों? 1139। अब हम इस नंबर को कैसे रीड आउट करेंगे? 1000, ओ एन ई 1000। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? वर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। 1000 देन 100, 100। सॉरी बच्चों, जो 1 का ओ है वो स्मॉल आएगा, 100, एच यू एन डी आर ई डी, 100। देन वी हैव टू रीड दीज नंबर्स कंबाइन, इज देयर इज टी एच आई आर डी वाई, 30, एन आई एन ई 9। कितना सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर प्लेस वैल्यू में आएगा और जिस यूनिट से वो बिलोंग कर रहा है या जिस प्लेस वैल्यू से वो बिलोंग कर रहा है, पहले हम उसके साथ वो लिख देंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज 5, 8, 5, 4, 7। सो मदीहा बेटा, आप मुझे बताएं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? गुड। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज यूनिट। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? हमने बेटा आप मुझे बताएं 1s, सॉरी 10s। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? गुड, 100। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? गुड 1000। सो नाउ वी हैव टू राइट द नंबर्स इनटू वर्ड्स फॉर्म। हमें अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? वर्ड्स के फॉर्म में। सो तलाल बेटा, आप मुझे बताएं ये कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? वेरी गुड। 8 किससे बिलोंग कर रहा है? 1000 के साथ। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 8? महक बेटा आप मुझे बताएं। ई आई जी एच टी, 8। और उसके साथ हम क्या लिखेंगे? जिस यूनिट के साथ 8 बिलोंग कर रहे हैं हम वो लिखेंगे, 8000। मोहित बेटा मुझे आप बताएं 5 को हम किसके साथ बिलोंग करके लिखेंगे? 100 के साथ। तो 5 एफ आई बी ई 500, एच यू एन डी आर ई डी। हमदे सलीम बेटा आप मुझे बताएं 4 क्या है? 10s। 7 क्या हमारे पास? 1s। जब हम इन दोनों को साथ मिलाकर लिखेंगे, हम 4, 10s, 7, 1s नहीं लिख सकते। हम हमेशा इनको क्या पढ़ते हैं? 47। 47। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एफ ओ आर टी वाई? 40, एस ई वी ई एन 7। वन मोर थिंग इज, राइट द कैपिटल लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड। सिर्फ और सिर्फ 8 या जो जिस से भी आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ वो कैपिटल आएगा, बाकी सब वर्ड्स क्या होंगे? स्मॉल। जिस तरह मैंने 8 का ई कैपिटल लिखा है, 1 का ओ कैपिटल लिखा है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कैपिटल आएंगे और बाकी सब स्मॉल। आई होप दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू सॉल्व द लेटर प्रैक्टिस ऑफ पेज नंबर 8।
If you find any difficulty to solve your assessment, then you can text me, you can message me on my WhatsApp group. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.